पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को पाकबड़ा स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में मंदिर के संस्थापक दानवीर सेठ लाला ज्योति प्रसाद अग्रवाल और लाला ओम प्रकाश अग्रवाल की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज द्वारा कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई गई। इस अवसर पर आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी जी महाराज के द्वारा प्रातःकालीन रामचरित मानस पाठ और प्रवचन किए गए। पाठ के दौरान शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। भक्तों ने मौजूद रहकर जगतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसे शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा संपन्न किया गया। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद का वितरण हुआ। इस अवसर पर शहर की प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। Thank you.
माँ का रसा धाम मंदिर के आज 27वें वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर आचार्य जगदीश प्रसाद कोठारी श्री गणेशानंद द्वारा प्रवचन किए गए और यहाँ पर हमारे पिता श्री का और ताऊ जी का मूर्ति का अनावरण किया गया और इस अवसर पर बहुत ही भंडारा मतलब हो रहा है और सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी लोग आएँ और धर्म लाभ कमाएँ। मेरा मनोकामना है कि सबके घर में मंगल हो, ऐसी मेरी इच्छा है और सब खुश रहें। धन्यवाद। माँ कैलेश्वर धाम पर हमारे पूर्वज परम पूज्य हमारे ताऊ जी लाला ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी एवं हमारे पिताश्री ओम संस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक होलीडे रीजेंसी अपना ओम संस इंडस्ट्रीज, ओम संस ओवरसीज, ओम संस हैंडीक्राफ्ट, ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जियो पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, जियो एक्सपोर्ट इंटरनेशनल, जियो एक्सपोर्ट इंडिया, जियो कास्टिया, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उस सबके सूत्रधार हमारे लाला ज्योति प्रसाद और लाला ओम प्रकाश। ओम प्रकाश मतलब ओम संस, जियो मतलब ज्योति प्रसाद ओम प्रकाश। आज इनकी यहाँ पर इनकी याद में आज इनकी मूर्तियों का प्रतिष्ठित किया है, उसका अनावरण किया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इनसे एक प्रेरणा मिलती रहे, एक प्रेरणा के जो व्यक्ति ने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए किया है कुछ, ऐसे प्रेरणा सूत्र हमारे स्वर्गीय लाला ओम प्रकाश अग्रवाल जी, लाला ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, इन्होंने सभी धार्मिक स्थानों पर धर्मशालाएं बनवाई हुई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, माता वैष्णो देवी कटरे में अपने भवन पे, नीलकंठ महादेव पे अपने ब्रजघाट पे 3 धर्म, हरिद्वार में 4 धर्मशालाएं, अपने नाथद्वारे में और कितनी जगहों पर आपने धर्म के कार्य किए। हरिद्वार में महाराजा अग्रवाल अग्रसेन आश्रम का शिलान्यास, वहाँ की भूमि खरीद कर वहाँ पर 250 कमरों की जो धर्मशाला है वो आप ही इन दो महानुभावों के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुई। ऐसे हमारे प्रेरणा सूत्र लाला ज्योति प्रसाद ओम प्रकाश को मेरी ओर से नमन, पूरे परिवार की ओर से वंदन। धन्यवाद। जय पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।